अल्फी और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। हमले के एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी की पहचान शब्बीर के तौर पर हुई है। आरोपी को कर्नाटक के बेल्लारी से हिरासत में लिया गया है। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ जारी है। बीते 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। इस हमले में कम 10 लोग घायल हुए थे। बेंगलुरु पुलिस ने इस धमाके के बाद गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम कानून और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।